न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मऊ से पहली खबर, जहां मऊ में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का आगमन हुआ और उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए मऊ पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक। मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजना जन जन तक पैठ बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के गुंडा माफिया आज उन्हीं का मंच तोड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हालात आपने देखा, एक दिन की घटना नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बोलने नहीं दे रहे हैं। सपा के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी कार्यक्रम में बोलने नहीं दे रहे। बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अनर्गल आरोप तरह तरह के लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बना चुकी है और उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया आज उन्हीं का मंच तोड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की हालत आपने देखा, एक दिन की घटना नहीं है। 3-4 मीटिंगों में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ही नहीं बोलने वो लोग दे रहे हैं, तो किस ढंग से अराजकता की स्थिति समाजवादी पार्टी के। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में अपर नगर मजिस्ट्रेट और पूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों क्विंटल सरकारी राशन का चावल और बाजरा जब्त कर लिया। संजय मिश्रा ACM द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि दूरभाषा के माध्यम से सूचना मिली थी कि सरकारी चावल और सरकारी बाजरा को सरकारी कट्टों से निकालकर प्राइवेट कट्टों में भरा जा रहा है, उसके बाद ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर आए और यहां पर जो राशन का माल था उसको बरामद किया है। अभी गिनती की जा रही है कितना माल यहां बरामद हुआ। फिलहाल यहां पर 2 ट्रक और 3 कट्टा 407 है और कुछ छोटे वाहन हैं, कुछ कट्टे भी मिले हैं, उनको कैंटरों में रखे हुए हैं। अभी सप्लाई विभाग के लोग बताएंगे कि सरकारी है या नहीं, अभी कुछ बता नहीं सकते कि ये कितने दिनों से यहाँ चल रहा था और कौन चला रहा था, अब ये जांच का विषय है। देखो, अभी 1 घंटे पहले दूरभाष पर सूचना मिली कि सरकारी चावल और सरकारी बाजरा इसको मौके पर सरकारी कट्टों से निकाल करके प्राइवेट कट्टों में भरा जा रहा है और उसके बाद ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। इस सूचना प्राप्त होने पर मैं तत्काल ही मौके पर आया और मौके पर ये राशन जो यहाँ पे था इसको बरामद किया गया है। कितनी मात्रा में सर यहाँ पर माल बरामद हुआ है, चावल और बाजरा? अब मात्रा की तो अभी गिनती चल रही है। इसमें फतेहपुर जिले के किशनपुर थाने में थर्ड डिग्री दिए जाने का एक मामला सामने आया, जहां 5 पीड़ितों ने किशनपुर पुलिस की बर्बरता की शिकायत SP से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मुकेश की माने तो उसकी पत्नी 8 मई को बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के संग घर छोड़कर चली गई थी। जब इस बारे में मुकेश को पता चला, वो गोवा से गाँव आकर थाने में शिकायती पत्र देने के लिए पहुंच गया। किशनपुर पुलिस ने 20 मई को थाने में उसकी पत्नी को बच्चे को देने के लिए बुलाया, जहां पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद किशनपुर पुलिस ने 5ों को थाने में बुलाकर जमकर पिटाई की। SP की चौखट में पहुंचकर SP को शिकायती पत्र देते हुए किशनपुर पुलिस की थर्ड डिग्री के जख्मों को दिखाकर बताया कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। उन्हें छोड़ने के नाम पर 10,000 रुपए लिए गए हैं। हालांकि इस मामले में SP से बात की गई तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले में DSP शाखा को जांच सौंप दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आए हैं नहीं, हमको थाने में किशनपुर थाने में सर मारा गया। इनको मियाँ बीवी को एक मैडम थी वहाँ, उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा अपना ले लो, तुम फोन ले लो, कोई नहीं कुछ बोलेगा। जब वहाँ कहने लगे, छीनने लगे फोन, तब वहाँ जाके मैडम जी चली गई वहाँ से नहीं, और इधर आके हमको बच्चा लेकर अब कहे तुम जाओ, कोई यहाँ बात नहीं है, अब जाइए। हम निकल गए किशनपुर के आगे, थोड़ा बच्चा लेके और फोन उसका लेके, औरत इसकी थाने में थी। और उसके बाद वहाँ से हमको 2 पुलिस, 1 होमगार्ड और 1 चौकीदार वहाँ गए, हमको गाड़ी से पकड़ कर लाए। थाने के अंदर घुसे नहीं कि मतलब थाने के अंदर घुसे नहीं कि मतलब हमारे लक्ष्य शुरू मारते मारते गिरा दिए हमको। फतेहपुर जिले के जहानाबाद में महिला हत्याकांड का SP ने खुलासा कर दिया। SP उदय शंकर सिंह ने बताया कि मृतका के पिता ने बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर उसकी हत्या की थी। पुलिस गिरफ्त में आरोपी पिता ने मृतका के पूर्व पति और एक महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को गुमराह करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से हत्यारे पिता को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेजकर 2 निर्देशों को बचाया है। SP ने बताया कि 18 तारीख को 26 वर्षीय महिला का शव सहीमलपुर गाँव किनारे एक हत्यायुक्त महिला का शव मिला था, जिसका SP ने खुलासा किया। ग्राम सहमलपुर सीमांतर्गत रिंद नदी के किनारे एक 26 वर्षीय महिला की शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने
मृतिका के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग दर्ज किया, जिसमें मृतिका का पूर्व पति व गांव की एक महिला को नामित किया गया। पुलिस ने इस घटना की गहराई से छानबीन की तो ज्ञात हुआ, हरदोई में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार पेड़ से जा टकराई और फिर कार में आग लग गई। आग लगने से कार सवार दंपत्ति की जलकर मौत हो गई। आग का दृश्य जिसने भी देखा दहल गया। मामले की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। एएसपी निपेंद्र कुमार ने बताया कि प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों मृतक शहर कोतवाली इलाके के हैं। कोतवाली शहर के मोहल्ला रुद्रपुरवा रोड निवासी आकाश पाल ने लखनऊ से एक कार खरीदी थी। आकाश कार चलाता था जबकि पिता घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान गिलौला क्षेत्र के दमोवा बैरियर पर पुलिस ने पिकअप से 1,31,200 रुपए बरामद किए। वाहन चालक मनोज कुमार मौर्य पैसे से कोई संबंधित कागज नहीं दिखा सके, जिसके बाद पुलिस ने पैसे अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस ने पैसे बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दी है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। सहारनपुर के सहसावा में जाम लगाने और बिना अनुमति सम्मेलन के मामले में 14 साल बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत अदालत में पेश हुए। वहीं सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। भाकियो अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। भाकियो अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिस पर उंगली उठे। उन्होंने कहा कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, पुलिस ने कभी इस मामले की जानकारी नहीं दी थी, अदालत का फैसला मान्य होगा। वहीं नरेश टिकैत ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं को जमानत मिलने की जानकारी दी। मैं कोई 14 साल पहला मामला था, कोई पंचायत हुई थी यहाँ से, और उसमें कुछ होगी होगी बातचीत नहीं, प्रशासन ने सुनी होगी भाई चलो कोई रोड पर बैठ गए होंगे थोड़ी घंटे बाद 10-20 मिनट के लिए, और तो कोई वैसी इतनी बड़ी बात नहीं। और कोई पहले बताते हमें तो हम पहले भी आ जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें तो परसों ही पता लगा भाई इस तरह की बात है। और एक बद्दा मजाक करेगा आग भाई गिरफ्तार करके जाओ, तो कोर्ट के हमेशा कोर्ट का सम्मान करे। इस तरह की बात किसकी सोच रही, क्यों इस तरह की वह करी। ललितपुर के तालाबपुरा डोड़ा घाट स्थित मोहल्ले में महिला की हत्या से हड़कंप मच गया, जो अपने बेटे के साथ किराए पर रहती थी। पुलिस की माने तो पति ही पत्नी का हत्यारा है। आपको बता दें कि हत्या के पीछे का कारण तो अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में पति आते जाते कैद हो गया। अदिति राजा उर्फ रानी का शव उसी के कमरे में पड़ा मिला। रस्सी से गला घोटा गया है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे वजह क्या है हत्या की, इसका पता लगाया जाएगा। थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत मोहल्ला डोडा घाट में एक महिला अदिति राजा उर्फ रानी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य व मृतका के बेटे द्वारा दिए गए बयान से मृतका की हत्या उसी के पति पुष्पेंद्र सिंह द्वारा किए जाने की पुष्टि हुई है। अभियुक्त पति पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक। संभल जिले के सदर कोतवाली इलाके में पति पत्नी के बीच कहासुनी इस कदर बढ़ गई, गुस्साए पति ने पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। यही नहीं, खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला नई सराय का है, जहां के रहने वाले रिजवान की शादी करीब 30 साल पहले फरजाना के साथ हुई थी। शुक्रवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। आज दोपहर थाना कोतवाली संभल में सूचना प्राप्त हुई कि नई सराय के रहने वाली श्रीमती फरजाना एवं उनके पति रिजवान में किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई। तत्पश्चात पति द्वारा उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया एवं स्वयं कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। दोनों को तत्काल ही जिला हॉस्पिटल पहुँचाकर उपचार कराया गया, जहाँ उन्हें अग्रिम चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है, शीघ्र ही प्रकरण में अग्रिम विधि कार्य शुरू की जाएगी। संभल के चौड़ा कंभों में शुक्रवार को कल्कि पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिस आदमी का खुद का सिस्टम खराब है, वो देश का सिस्टम ठीक करने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वो अपना सिस्टम ठीक करे, देश के सिस्टम को ठीक करने की बात करे। ममता बनर्जी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि कुछ लोग संविधान का मजाक बना रहे हैं, वो संविधान को मखौल समझते हैं, जिसके मन में जो आता है भाषण दे देता है। कोई कहता है हम 50% आरक्षण दे देंगे, कोई कहता है 75% दे देंगे, लेकिन संविधान ने इस पर व्यवस्था दी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला दे चुका है, जिसमें 50% के लिमिट के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। जो लोग संविधान मानने की बात कर रहे हैं, जो लोग बात बात पर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो अब वही संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से
निवेदन करना चाहूँगा वो पहले खुद का अपना सिस्टम ठीक करें, तब देश के सिस्टम को ठीक करने की बात करें। देखिए कुछ लोग संविधान का मजाक बना रहे हैं, संविधान को मखौल समझते हैं, जिसके मन में जो आता भाषण दे देता है। कोई कहता हम 50% आरक्षण दे देंगे, कोई कहता हम 70% आरक्षण दे देंगे, कोई कहता हम 80% आरक्षण दे देंगे। संविधान ने खुद व्यवस्था दी है कि हम, और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक बड़ा फैसला दे चुका है कि आप किसी को दीजिएगा लेकिन 50% की लिमिट के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। ग्राम विकास अधिकारी के नाबालिग बेटे का अपहरण कर हत्या करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगा है। राजीव और बनवाली नाम के दोनों आरोपियों को सजा सुनवाई गई। संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सजा सुनाई है। साल 2020 में 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए सचिव के 8 साल के बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला हल्लू सराय का एक पूरा मामला। अलीगढ़ की ताला नगरी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ताला नगरी में स्थित मनकामेश्वर स्टील फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें धुआं उठने की सूचना पर कई गाड़ियां दमकल मौके पर पहुंचे। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। आग लगने से 2 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। फैक्ट्री के अंदर लोगों के फंसे होने की संभावना दिखाई दे रही थी। रेस्क्यू जारी है। पूरा मामला अलीगढ़ थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ताला नगरी का बताया जा रहा है। देखिए एक ताला नगरी इंडस्ट्रियल एरिया में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फर्नेस में ब्लास्ट और उसके बाद आगजनी की घटना हुई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई है उसके बाद जो फायर सेफ्टी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और अभी वर्तमान में पूरी तरफ से आग बुझा दिया गया है, पूरी तरफ से सिचुएशन कंट्रोल में। जो इंसिडेंट में 5 लोग घायल हुए हैं जिनको अभी JNMC में शिफ्ट किया गया है। JNMC में एमरजेंसी में हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है। CMO ACM और पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है उनको समुचित। जिले के 1260 केंद्रों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। छठवें चरण के लिए 25 मई को श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में मतदान शुरू हुआ। गिसरनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव विधानसभा में भी मतदान शुरू हुआ। लोकसभा सदस्य के लिए 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जिले की जनता करेगी। गिसरनी उपचुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज EVM में कैद हो रहा है। संवेदन और अति संवेदन 415 बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। 11,62,450 मतदाताओं को करना है अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पूरे लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 19,20,313 मतदाता है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं वोट डाला हूँ और डालने के बाद भी निकला हूँ लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए, हाथ करके मजबूत करने के लिए और उसको आगे बढ़ाए और सभी लोग अपना मतदान करें। हमने वोट डाला है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र मजबूत हो, देश का विकास हो, इसके लिए मतदान जरूरी है। मैं सभी लोगों से यह कहूंगा कि भारी से भारी संख्या में आकर अपना मतदान करें। मैंने अपने देश के विकास के लिए अपना मतदान आज किया। मतदान बहुत जरूरी है, मतदान हमारा अधिकार है। संतकबीरनगर जिले में जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें 1.25 घंटे के मतदान में महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। हम आपको बता दें कि संतकबीरनगर जिला जो 62 लोकसभा क्षेत्र है वहां 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता 6,50,000 है। उसके बाद SC और OBC मतदाता का एक निर्णायक भूमिका है। 5 विधानसभा में से 313 विधानसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता सदर आलम खान वहां पर मौजूद नजर आए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतदान किस तरह से हो रहा है और प्रशासन द्वारा क्या कुछ खास व्यवस्था चल रही है। फिलहाल अभी 1.25 घंटे से मतदान शुरू हुआ है जो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा, जिसमें महिलाओं की सहभागिता सबसे ज्यादा नजर आई। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ व्यवस्था देखी है जरा वो सुनते हैं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही संत कबीरनगर में प्रारंभ हो गया है। संत कबीरनगर जो है 5 विधानसभाओं से लैस है, यहाँ पर जो है आज सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया है। हम जो है 5 विधानसभाओं की एक विधानसभा 313 विधानसभा खलीलाबाद है, वहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय। यहाँ पर जो जूनियर हाई स्कूल है ये एकदम बिल्कुल सदर एरिया में मौजूद है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ है और अभी 8:17 हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1.25 घंटे का मतदान प्रारंभ हो गया। और इन 1.25 घंटे के मतदान में जो है सबसे ज़्यादा अगर सहभागिता अगर देखी जाए तो महिलाओं की है। महिलाएं जो है कतारबद्ध होकर जो है यहाँ लगी हुई हैं। पुरुषों 2 लाइन बनी हुई है, महिलाओं की जो लाइन है यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से महिलाएं जो है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जो है जागरूक है। वहाँ बगल में भी जो है महिलाएं पूरे कतारबद्ध लगी हुई हैं, लेकिन पुरुषों की जो लाइन है वो यहाँ सर एक
लाइट वो पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर जो है मतदान सुबह से ही मतदान के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। बात की जाए अगर प्रशासन की तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को यह एहसास दिलाने में लगा हुआ है कि आप अपने मतों का प्रयोग जो है अंदर डर हो है उसे जो दूर रखकर वो मतदान करने के लिए आए और मतदान में जो महिलाएं अपनी सहभागिता कर रही हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनी हुई हैं संत कबीर नगर में। अभी तक कुल मिलाकर सवा घंटे की वोटिंग में जो देखा गया है कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। लोग जो है यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई घटनाएं नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई सूचना यहाँ पर इस तरह की है कि जिसमें अव्यवस्था फैले। फिलहाल जो है यहाँ पर जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संत कबीर नगर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए मैं सदर आलम खान। सदर विधानसभा बूथ 303 की ईवीएम खराब, मतदान बाधित। कप्तानगंज विधानसभा के बूथ नंबर 395 की ईवीएम खराब हुई, 30 मिनट तक मतदान बाधित रहा। रुधौली विधानसभा के बूथ नंबर 465 की ईवीएम भी खराब हुई है, ईवीएम को बदलकर मतदान शुरू कराया गया। पार्टी नहीं हुआ है, हम लोग अभी कब से खड़े हैं, बाद में पता चला कि है ना लाइन में खड़े थे, हम लोग को कुछ बताया नहीं है। बाद में पता चला कि है ना मशीन खराब है, दूसरी मशीन आ रही है, तो ठीक है खड़े रहे, दूसरी मशीन भी आई तो आप वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना मतदान नहीं करेंगे, घर जा रही है भाई, क्या कर रहे हैं, धूप में जगह दे रही है, धूप में करें, खड़े टाइम निकाल के हम लोग आए कि वोट करें, देश के लिए लाइन लगे रहिए, भीड़ मत मचाइए भाई। आप धूप है, वहाँ शेड भी नहीं डाला है, धूप है, कितना शेड भी नहीं डाला है वहाँ पे। कितनी देर से खराब मशीन, सवा सात, अरे स्टार्ट ही नहीं हुआ है वहाँ पे। 2000 और जो पड़े होंगे, कम से कम हमको लगता है 50 लोग तो जल्दी गए, कंफर्म है। कितना टाइम हुआ है, टाइम देखिए, मोबाइल से जमा हो गया, टाइम देखिए, मोबाइल लगभग 2 बजे वाले जी। अब जान लीजिए, 2-2 घंटे वोटिंग, वैसे ही सुबह के टाइम वोटिंग ज़्यादा होती है। कौन सा कैंपस है ये, एक केस तुम्हारी बूथ नंबर 209 की बात है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने मतदाताओं से की अपील, अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पहुंचे अपने बूथों तक। कई जगहों पर नहीं हो पा रही वोटिंग, ईवीएम मशीन खराब है, मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सही करवाई जाए मशीनें। जनता का नाम भी वोटिंग लिस्ट से गायब है, जनता को ना ही वोटिंग में कुछ किस तरह की कोई व्यवस्था मिल रही है, अकेले उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मतदान सुबह से हो रहा है, कहीं कहीं से कुछ समस्याएं मतदान के समय में आई थी, काफ़ी मशीनें खराब चल रही हैं, काफ़ी वोटर्स उस मशीन खराब होने से नाराज भी हो रहे हैं, वापस भी जाने का काम कर रहे थे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मशीनें जल्दी से जल्दी ठीक कराई जाएं। शासन प्रशासन से, चुनाव आयोग से इस बात को हमने डिमांड किया कि कम से कम मशीनों को ठीक कराया जाए और सुचारू रूप से मतदान कराया जाए। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में बड़ी लापरवाही सामने आई, लोकसभा श्रावस्ती में वोट करने का फोटो वायरल हुआ है। सपा कैंडिडेट को वोट देने की पर्ची का फोटो वायरल हुआ, मतदान करते समय वीवीपैट का फोटो खींचा गया है और वायरल कर दिया गया। वीवीपैट का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मतदान कक्ष के अंदर वोट डालते हुए युवक ने फोटो और वीडियो बनाया है, ईवीएम मशीन के अंदर वोट डालते हुए वीडियो बनाए गए। व्यक्ति ने वीडियो बनाकर खुद के मैसेंजर पर अपलोड किया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को वोट देते वीडियो बनाया। अधेड़ युवक ने मासूम बच्चे के साथ कुकर्म किया, कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर कुकर्म किया। पीड़ित मासूम बच्चे की मां ने थाने में देरी दी, पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बिजनौर के थाना शेरकोट का है। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना है कि कल दिनांक 24/5/2024 को बाजी द्वारा थाना शेरकोट पर आकर सूचना दी कि पड़ोस के ही रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम सबन है, मेरे 9 वर्षीय पुत्र को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया तथा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया व मारपीट की। इस संबंध में थाना शेरपुर पर तत्काल FIR दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर में भीषण गर्मी में जानवर बेहाल है, रिहायशी इलाकों में घुसे 2 जंगली हाथी, दोनों हाथियों ने दीवार कूद कर फांद दिए। हाथियों को देखकर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई, गर्मी से बेहाल होकर गाँव के आसपास पहुंचे थे हाथी। बिजनौर के कालागढ़ के हाइडिल कॉलोनी का ही पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।